नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो पर मैं WhatsApp पर आने वाले एक नए फीचर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो उस फीचर का नाम है WhatsApp Meta AI। तो अभी तक जो है आप लोगों के WhatsApp पर ये वाला जो फीचर है WhatsApp Meta AI का फीचर जो है वो अभी तक आ गया होगा। अगर आप लोगों के WhatsApp पर अभी तक ये वाला Meta AI फीचर नहीं आया है तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर अपने WhatsApp एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए। तो इसके बाद आपके फोन पर भी ये वाला फीचर जो है वो आ जाएगा। एंड जब से ये फीचर लोगों के WhatsApp पर आया है वो लोग समझ नहीं पा रहे ये WhatsApp Meta AI क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका फायदा वगैरह क्या है। तो डोंट वरी, आप लोगों को टेंशन लेके जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा आखिर ये WhatsApp Meta AI क्या है, इसका कैसे इस्तेमाल करना है, इसका फायदा वगैरह क्या है। तो आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग जो है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों चलिए ज्यादा टाइम का खत्म ना करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल वीडियो को। तो जैसे ही यहाँ पर हम लोग अपने WhatsApp एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर होम स्क्रीन पे दो ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आपको नीचे एक सर्कल करके दिख रहा होगा तो यही है WhatsApp Meta AI। एंड इसके बाद ऊपर आप लोग को Meta AI का जो चैट बॉक्स है वो देखने को मिल रहा है। तो अभी चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये Meta AI आखिर है क्या। तो ये जो Meta AI है ये एग्जैक्ट गूगल की तरह काम करता है। जैसे कि आप लोग को गूगल पर हर सवाल का जवाब मिल जाता है, वैसे आप लोग को Meta AI पर WhatsApp Meta AI पर हर तरीके का सवाल का जो है जवाब आप को यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आप लोग WhatsApp Google पे जो कुछ भी सर्च करते हो वैसे आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर Meta AI के चैट बॉक्स पे क्लिक करते हैं, करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको नीचे जो मैसेज का ऑप्शन दिख रहा है तो आपको इस पर क्लिक करना है। करने के बाद अभी यहाँ पर आप लोग जो कुछ भी सवाल पूछना है वो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो, उसका आप लोग को तुरंत जो यहाँ पर जवाब मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली सर्च करता हूँ हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मैं सिंपली ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जैसे मैं इसको यहाँ पर सेंड करता हूँ तो करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये मतलब प्रोसेसिंग होगा, यहाँ पर मतलब रिप्लाई आ रहा है। तो इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर आपका जितना भी आपका क्वेश्चन का जो भी सवाल है वो यहाँ पर मतलब निकल के आ जाएगा। एंड ये यहाँ पर पूरे डिटेल्स पे आप लोग को यहाँ पर दिखा देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो वेबसाइट विकिपीडिया का वेबसाइट वगैरह यहाँ पर आपको रिकमेंड कर देगा। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो आपका जो आंसर है ये यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग जो कुछ भी यहाँ पर सवाल पूछोगे वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड अगर आप लोग यहाँ पर हिंदी में पूछना चाहते हो, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो वो भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि जो भी सवाल हो वो यहाँ पर आपको सर्च करना है। मैं फिर से ये वाला सर्च करता हूँ हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये लिखकर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, करने के बाद आपको लास्ट में ये लिखने के बाद आपको साइड में यहाँ पर हिंदी लिख देना है। तो जैसे हिंदी लिखोगे, लिखने के बाद आपको ये मैसेज जो है यहाँ पर आपको सेंड कर देना है। तो सेंड कर देने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा वेबसाइट जो है वो रेकमेंड कर देगा, ये हिंदी से है, आप लोग इस पर क्लिक करके ये जो वेबसाइट पढ़ सकते हो। इसके बाद ये Meta AI पे जो है आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराता है, यहाँ पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा, जैसे कि आपको गूगल पे भी वीडियो मिलता है। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर जो है वीडियो वगैरह भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप कुछ भी सवाल यहाँ पर पूछ सकते हो, उसके बदले में आपको यहाँ पर जवाब मिल जाएंगे। तो ये जो Meta AI है ये बहुत ही शानदार है, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अगर अभी तक आप लोग के WhatsApp पे ये वाला फीचर ऐड नहीं हुआ है तो आप लोग जो है अपने प्ले स्टोर पर जाकर अपने जो WhatsApp एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए, इसके बाद आपको ये वाला जो फीचर है वो मिल जाएगा। और ये जो फीचर है ये बहुत ही कमाल का है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये WhatsApp Meta AI के बारे में पता चल गया होगा, इसको कैसा यूज करना है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द ऐसे इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।